हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, व्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज के इस वीडियो में अलॉटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सर, अलॉटमेंट कितने बजे किया जाएगा, कितना परसेंट चांसेस अलॉटमेंट होने, कब अलॉटमेंट आएगा, किस वेबसाइट पर अलॉटमेंट को चेकआउट करना है, जिनको अलॉटमेंट नहीं उनके रिफंड्स कब तक रिलीज किए जाएंगे, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 28 जून को क्लोज किया गया था फ्राइडे के दिन, और यहाँ पे कंपनी का जो आईपीओ है 171 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, और अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 1 जुलाई का, मतलब आज का डेट फाइनलाइज किया गया है, और 3 जुलाई का लिस्टिंग डेट है एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। 195 to 207 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 72 शेयर्स के लॉट साइज, और बिग शेयर सर्विसेज रजिस्ट्रार है। तो गाइस, इस आईपीओ के अलॉटमेंट को आप 3 तरह से चेक कर सकते हैं, एक्चुअली 2 तरह से, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे एक्सेप्शनल होता है, क्योंकि अगर आपने सीडीएसएल डीमैट अकाउंट से अप्लाई किया था तो आपका बीएससी पे आप चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपका एनएसडीएल डीमैट अकाउंट है तो आप एनएससी पे चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन बिग शेयर सर्विसेज जो रजिस्ट्रार है इस पे आप दोनों, चाहे एनएसडीएल हो या सीडीएसएल, किसी भी रजिस्ट्रार से आप स्टॉक एक्सचेंज से आपने अप्लाई किया था डीमैट अकाउंट से, आप बिग शेयर पे चेकआउट कर सकते हैं। इसलिए गाइस, आप 2 तरह से चेक कर सकते हैं, और मैं आपको 1 बाय 1 तीनों की लिंक, आप तीनों पे चेक करने का तरीका बताऊंगा, और तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो पहले चलेंगे हम लोग इसके रजिस्ट्रार पे, जो कि बिग शेयर सर्विसेज, हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, 2 ऑप्शन है, कंपनी सिलेक्शन और सिलेक्शन टाइप का। कंपनी सिलेक्शन में अगर क्लिक कीजिए तो यहाँ से आपको कंपनी का नाम शो करे, जैसे पेट्रो कार्बन हो गया, पावर डिवाइन पावर एनर्जी है, सिल्वन प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड, विनी इमिग्रेशन, देख सकते हैं बहुत सारा आईपीओ शो करे, लेकिन ये आईपीओ भी शो नहीं करा। रीज़न क्या है कि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं किया गया, तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज रात में 7 से, मतलब कि आज रात में 8 से 10 बजे के बीच में अलॉटमेंट किया जाएगा, मतलब आज रात में 8 से 10 बजे के बीच में अलॉटमेंट किया जाएगा। तो आपको जब भी 8 से 10 बजे, 8 और 10 बजे के बीच में आप चेकआउट कीजिएगा, तब वो कंपनी का नाम शो कर जाएगा। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन ये 8 से 10 बजे के बीच में कभी भी अलॉटमेंट आ सकते। तो आपके यहाँ फर्स्ट में ये ऑप्शन आपको आ जाएगा अलॉटमेंट कंपनी का नाम, उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे पेट्रो कार्बन आपको शो कर रहा है फर्स्ट में, मैं इसको क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको एक ऑप्शन है सिलेक्शन टाइप का, क्लिक कीजिए। इसमें 3 ऑप्शन है, एप्लीकेशन नंबर, बेनिफिशियरी आईडी और पैन नंबर। एप्लीकेशन नंबर अगर सिलेक्ट करते हैं तो जब भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा फिल कीजिएगा, अगर आप बेनिफिशियरी आईडी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन टाइप का एक ऑप्शन है, क्लिक करना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया था वीडियो को कुछ टाइम पहले, बताया था वीडियो में कि आपका अगर एनएसडीएल है डीमैट अकाउंट, आप एनएसडीएल क्लिक कीजिए, अगर आपका सीडीएसएल डीमैट अकाउंट, आप सीडीएसएल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे एनएसडीएल पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो भी एनएसडीएल का आईडी होगा डीमैट अकाउंट फिल कीजिएगा, अगर आप सीडीएसएल पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपका सीडीएसएल नंबर होगा डीमैट अकाउंट नंबर वो आपको फिल करना है। थर्ड ऑप्शन है पैन, अगर आप पैन नंबर सेलेक्ट करते हैं तो जो भी आपका 10 डिजिट का पैन नंबर होगा यहाँ पे फिल करना है। आपके मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ पे इमेज में जो नंबर शो कर रहा है वही कैप्शन में फिल करना और सर्च पे क्लिक करना, तो आपको आईपीओ का अलॉटमेंट शो कर जाएगा। इस तरह से अलॉटमेंट आप इसके रजिस्ट्रार पे चेकआउट कर सकते हैं। अब बीएससी पे चेकआउट करने का तरीका क्या है, तो हम लोग बीएससी पे चलते हैं। देखिए, बीएससी पे हम लोग आ चुके ऑफिशियल वेबसाइट पे, स्क्रॉल डाउन की जगह यहाँ पे एक हेडलाइन है स्टेटस ऑफ इशू एप्लीकेशन, स्क्रॉल डाउन की जगह इशू टाइप में आपको इक्विटी पे क्लिक करना है, तो पेज आपका वापस से रीलोड होगा, और उसके बाद आपको इशू नेम का ऑप्शन आ रहा है जिसमें सेलेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से वो कंपनी का नाम शो करेगा, व्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड ये आपको शो कर रहा है, इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए, जब भी ऐसा कोई एरर आएगा द पेज यू आर लुकिंग फॉर हैज़ बिन मूव्ड, तो आपको वापस से रिफ्रेश करना होगा और कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, तो आपका पेज वापस से कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि अगर क्लोज करते गए तो आपको फिर से शुरुआत से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप रिफ्रेश करते तो आपका कंटिन्यू हो जाएगा जहाँ से आप कंटिन्यू चले थे। और उसके बाद आपको 2 ऑप्शन है, एप्लीकेशन नंबर, पैन नंबर। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर फिल कीजिए, यहाँ पे पैन नंबर, इन दोनों में से कोई एक डिटेल को फिल कीजिएगा, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कीजिएगा और सर्च पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको अलॉटमेंट शो कर जाएगा। इस तरह से अलॉटमेंट आप बीएससी पे भी चेकआउट कर सकते हैं, एनएससी पे चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एनएससी पे आ चुके हैं, हेडलाइन है वेरीफाई आईपीओ बीडी अलॉटमेंट डिटेल्स। स्क्रॉल डाउन की जगह क्लिक हियर टू लॉगिन का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करना है, एक नया विंडो पेज ओपन होगा जो आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा, और यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड से। तो गाइस, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए एक अलग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, अगर आपने इसमें अकाउंट क्रिएट किया तो यूजर नेम यहाँ फिल कीजिए, जो कि आपका ईमेल आईडी होगा, पासवर्ड फिल कीजिए, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कीजिए और लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, तो आप लॉगिन हो जाएगा। अगर पासवर्ड भूल चुके तो फॉरगेट पासवर्ड जाएगा, पासवर्ड रिसेट कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो साइनअप पे क्लिक करके पहले अकाउंट क्रिएट कीजिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है और एप्लीकेशन नंबर फिल करना और सर्च पे क्लिक करना, तो आपको आईपीओ का अलॉटमेंट शो कर जाएगा। इस तरह से आप लोग इन 3 तरह से अलॉटमेंट को चेकआउट कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 99.99% का, एंकर इन्वेस्टर से 51.3 करोड़ का फंड रेज कर चुका है।
चांसेस डिपेंड करता है रिजर्वेशन सब्सक्रिप्शन पर। एंकर की मैं कवर नहीं करूंगा, QIB को 20% ऑफर दिया गया था, HNI को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया था, और सब्सक्राइब जो किया गया है QIB में 174 टाइम का अराउंड, मतलब फुल्ली 174 टाइम सब्सक्राइब है। तो चांसेस देखिए 20% का ऑफर सिर्फ दिया गया, तो 0.1% से भी लेस चांसेस अलॉटमेंट होने का। HNI में गाइस 221.6 टाइम का, तो इसमें गाइस चांसेस एकदम नहीं है, मतलब कि 0.01% से भी लेस चांसेस। लेकिन हाँ, रिटेल में चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है, 1-2% का चांस है, क्योंकि 58.31 टाइम का सब्सक्राइब किया गया और 35% का ऑफर दिया गया, तो रिटेल में चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन HNI में एकदम बिल्कुल भी चांस नहीं, QIB में भी थोड़ा बहुत चांसेस है, उतना ज़्यादा चांसेस नहीं है, बहुत ही रेयर चांसेस होगा HNI और QIB में। टोटल 126.36 टाइम सब्सक्राइब किया गया, वन टाइम अलॉटमेंट होगा, 125.36 टाइम के एप्लीकेशन कैंसिल करके रिफंड रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम इसके GMP की बात करेंगे, तो कंपनी का जो GMP चल रहा है 75 रुपीज़ का, जिसके अकॉर्डिंग 36% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है, मतलब कंपनी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रही है स्टॉक एक्सचेंज में। और इसलिए गाइज अगर जिनको भी लिस्टिंग अलॉटमेंट होगा बहुत अच्छी बात है। अब देखिए लिस्टिंग डेट की बात करें, ये रिफंड्स की बात करें, जिनको अलॉटमेंट नहीं उनके रिफंड 2 जुलाई मतलब कल के दिन रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, मतलब अनब्लॉक किया जाएगा, तो मैक्सिमम 3-5 डेज का समय लगता है रिफंड्स आपके अकाउंट में शो करने में। शेयर्स डिमैट अकाउंट में कल इवनिंग में ही क्रेडिट किया जाएगा। 3 जुलाई को लिस्टिंग डेट रखा गया वेंसडे का, और NSE BSE दोनों में लिस्टेड हो रहा, बहुत अच्छी लिस्टिंग दे रही है। और कंपनी का आज अलॉटमेंट किया जाएगा 8-10 बजे के बीच में, रात में अलॉटमेंट आएगा। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं प्रिंट करते हैं, अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।